नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आलोक सर। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हेलो ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम जेंडर के बारे में जानेंगे। जेंडर ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में लगभग कंपलसरी आता है, और अभी सीजी व्यापम के थ्रू जो एग्जाम होने जा रहा है टीचरशिप का और प्रयोगशाला अधीक्षक का, तो उसमें काफ़ी प्रमुखता से यह पूछा जाएगा। तो उसी के बेस्ड मैंने यह वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और पिछले वीडियो काफ़ी पिछला और पहले भी ऐसे ही कई प्रकार के वीडियो डले हुए हैं, उनको भी आप देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जेंडर के बारे में। जेंडर का मतलब होता है लिंग, ठीक है। आप इनके बारे में अच्छे से जानते होंगे। जेंडर क्या है देख लीजिए, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। नर और मादा है ना, महिला और पुरुष, तो इस प्रकार के चीज़ों को मतलब सेक्स को बताता है, सेक्स को डिफाइन करता है कि वो महिला है कि पुरुष है, मेल है कि फीमेल सेक्स है, तो उसको बताता है, उसको कहते हैं जेंडर, ठीक है। मेल में एग्जाम्पल दे देता हूँ, हॉर्स, डॉग, फादर एसेट्रा। वैसे फीमेल में देखिए मेयर, बीच, मदर एसेट्रा। जेंडर के कुछ टाइप्स हैं, तो देखते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर। तो काइंड्स ऑफ जेंडर होते हैं चार प्रकार के, उसको आप जानते ही हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर जो होता है, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स, ठीक है, मेल सेक्स को जो डिनोट करता है उसे हम कहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, जैसे बॉय, ब्रदर एसेट्रा, ओके। उसके बाद देखते हैं फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या है, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। वो जो फीमेल सेक्स को डिफाइन करता है उसे बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर, जैसे गर्ल्स, सिस्टर एसेट्रा। उसके बाद देखिए अगला है कॉमन जेंडर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। कॉमन जेंडर देखिए, द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट अ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, ठीक है। सेक्स को डिफाइन नहीं करता, सिर्फ लिविंग थिंग को डिफाइन करता है कि वो जिंदा है, मतलब सजीव है, तो उसको डिफाइन करता है, बोलते हैं कॉमन जेंडर, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही यूज होता है, जैसे बेबी, स्टूडेंट, डॉक्टर एसेट्रा। आगे हम इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, आगे जब हम आगे इसमें बढ़ेंगे तो सारे प्रकारों को मैं अच्छे से डिफाइन करके आपको समझा दूंगा, ठीक है, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर क्या है देखिए, द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग्स विच विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, जिसमें लाइफ नहीं रहता, निर्जीव चीजों को कहते हैं न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, जैसे इंक पॉट, पेन, टेबल आदि अनेक प्रकार के निर्जीव चीजें होती हैं। चलिए आगे इनके बारे में देखते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके दिमाग में किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे और आप एग्जाम में आया अगर इस प्रकार के क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो आप उसको अच्छे से बना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो जेंडर के कुछ खास रूल्स नहीं है, फिर भी मैंने कुछ रूल्स आपके लिए लाए हुए हैं, उसको आप देखिए और फॉलो करने का कोशिश कीजिए, ताकि रूल्स के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देखिए, रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलाइन नाउन टू फेमिनाइन नाउन, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के कुछ नियम्स। देखिए, रूल नंबर पहला, कुछ केसेस में मैस्कुलाइन जेंडर नाउन के बाद ई एस एस लगाने से वह फेमिनाइन जेंडर बन जाता है, फेमिनाइन नाउन बन जाता है, ठीक है। क्या लगाते हैं, ई एस एस लगा देते हैं, ठीक है, कुछ केसेस में, कुछ ही केसेस में। ये कौन कौन से केस हैं आपको बता देते हैं, आगे देखते जाइए। मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन कैसे बनता है देखते जाइए। ऑथर, ऑथर में क्या करना है, देखो आर के बाद ई डबल एस लगाना है, इसको आप लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिएगा। सेपर्ड, सेपर्ड में क्या लगाना है देखिए, सेपर्नेस। और ट्यूटर, ट्यूटर के बाद ई एस एस लग गया देखिए। प्रोफेन के बाद लगा हुआ है, पोएट के बाद पोएटस लगा है देखिए। पियर, पियरेस। मेयर, मेरेस, ठीक है। जेव, जेवेस। होस्ट, होस्टेस। काउंट, काउंटेस्ट। पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टरेस। उसके बाद है स्ट्रेवर्ड, स्ट्रेवर्डेस। टेलर, टेलरेस। प्रेस्ट, प्रेस्टेस। और उसके बाद है पेट्रोन, पेट्रोनेस। मैनेजर, मैनेजरेस। लायन, लायनेस। एयर, एयरेस। देखिए एच ई आई आर एयर होता है, ना कि हेयर होता है, एच ए आई आर बराबर हेयर होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एयर का मतलब उत्तराधिकारी होता है, ठीक है। जाइंट, जाइंट मतलब विशाल, इसका देखिए जाइंटेस। उसके बाद है बैरन, तो बैरनेस, इसमें भी ई एस एस आएगा, ठीक है। सभी में ई एस एस कुछ नहीं करना है, ई एस एस लगाना है, काफ़ी इजी है, इस रूल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसकी स्क्रीन शॉट लेकर रखना है तो स्क्रीन शॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि इतना ही है, इससे ऊपर थोड़ा बहुत आपको मिलेगा तो मिल जाएगा।
अब कुछ स्पेशल रूल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ सकता है। तो देखिए रूल नंबर सेकंड, कुछ मैस्कुलिन जेंडर के अंतिम वावेल को हटाकर, कुछ मैस्कुलिन जेंडर के अंतिम वावेल को हटाकर क्या जोड़ा जाता है, ई एस एस जोड़ दिया जाता है। कुछ एग्जांपल से समझिए, देखिए मैस्कुलिन जेंडर में अंतिम वावेल, इसमें अंतिम वावेल कौन सा है, वी ए आई टी ई आर, अंतिम वावेल कौन सा है, ई है, ए ई आई ओ यू वावेल होता है, पांच वावेल होते हैं, 21 में कॉन्सोनेंट होते हैं, तो अंतिम वावेल को हटा देंगे। देखिए यहाँ पर हटा दिया अंतिम वावेल को, क्या जोड़ दिया, ई एस एस जोड़ दिया है। इसके बाद देखिए प्रिंस, प्रिंस में क्या है, यहाँ पर अंतिम वावेल क्या है, ई है, ई को हटाकर प्रिंसेस बना दिया गया है। देखिए ये वाला ई नहीं है, उसका ई है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। हंटर में ई को हटा के हंट्रेस बना दिया। उसके बाद देखिए बेनिफैक्टर में बेनिफैक्ट्रेस, एक्टर में एक्ट्रेस, ठीक है, उसी प्रकार एम्बेसडर में एम्बेंड्रेस, डायरेक्टर में ओ को हटा दिया डायरेक्ट्रेस, निग्रो में निग्रेस, टाइगर में टाइग्रेस और वाइकॉन्ट में वाइकॉन्टेस, ठीक है, जिसमें देखिए इसमें कुछ नहीं हटेगा क्योंकि इसमें है ही नहीं, दोनों क्या है कॉन्सोनेंट है, वावेल है नहीं, दो के पहले के वावेल को नहीं हटा सकते। अब लगभग अगर दो तक है तो उसको हटा के ई एस एस जोड़ सकते, इसमें है नहीं तो डायरेक्ट इसमें क्या किया है, ई एस एस को पुट कर दिया है। इसमें इसके क्या बन गया, ये फेमिनाइन से मैस्कुलिन बन गया। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ आपको, इसके अकॉर्डिंग आप अगर इसको अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, एक दो बार पढ़ लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट और सेकंड शब्द में कुछ चेंजेस किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिए कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन, कंपाउंड मतलब होता है दो अलग अलग सेंटेंस, दो अलग अलग वर्ड को अगर कंबाइन करके रखा जाता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन। उसको फेमिनिन कैसे बनाया जाता है, उसमें स्पेलिंग में चेंज कर दिया जाता है, तो कैसे होता है, उसके फर्स्ट या सेकंड शब्द में कुछ चेंजेस किया जाता है, ठीक है। ग्रैंड सन, तो फर्स्ट और सेकंड, ग्रैंड अलग है सन अलग है, तो सन में चेंज कर दिया, ग्रैंड डॉटर हो गया। हेड मास्टर में देखिए हेड मिस्ट्रेस, स्टेप ब्रदर में ब्रदर में चेंज करके सिस्टर कर दिए, ठीक है। टॉम कैट सी कैट, इसमें याद रखिए टॉम कैट मतलब होता है नर बिल्ली और सी कैट मतलब होता है मादा बिल्ली, तो नर बिल्ली में ही कैट मत डालिएगा, टॉम कैट डालिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉग वॉल्फ, बीच वॉल्फ, जैकेस, जेनियस, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, बुल काफ, काउ काफ, ही गोट सी गोट, ही बेयर सी बेयर। उसके बाद देखिए मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर। याद रखिए डॉक्टर को कॉमन जेंडर में भी लिया जाता है, कॉमन जेंडर इसका ज़्यादा सही है, तब इसको कॉमन जेंडर में ही लेना, फिर भी यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है, बोल सकते हैं डॉक्टर का लेडी डॉक्टर, ओके। वॉशरमैन का होगा वॉशरवुमैन, बक रैबिट का डो रैबिट, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, मिल्कमैन मिल्कमैड, मैन का मैड हो गया, पीकॉक पीहन, लैंडलॉर्ड लैंड लेडी, और उसके बाद फादर इन लॉ मदर इन लॉ, ठीक है, लास्ट है फादर इन लॉ मदर इन लॉ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे क्लास को डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस अभी चल रही है, प्रयोगशाला और शिक्षक भर्ती से जितने भी क्लासेस हैं हमारे यहाँ भी चल रही है, हेडवे ट्यूटोरियल नगरी, यदि आप उसके आसपास रहते हैं या फिर लोकेलिटी में रहते हैं तो आकर हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यह लगभग एक दो महीने का ही कोर्स है क्योंकि उसके बाद आपका एग्जाम आ जाएगा, जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 20 स्टूडेंट का हमारा बैच रहने वाला है। यदि आप हमारे क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन भी आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आप अगर दूर में भी रहते तो हमारे क्लास को ज्वाइन करके और हमारे यूट्यूब के जरिए चैनल के जरिए आपको कुछ हेल्प हो जाए, ताकि आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। चलिए चौथा नंबर देखिए, कुछ केसेस में मैस्कुलिन जेंडर के शब्दों में कुछ चेंजेस किया जाता है और ई एस एस लगाकर फेमिनिन बना दिया जाता है, स्पेलिंग में चेंजेस करते हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए एबॉट, एबॉटस, इसमें टी को हटा दिया गया है, ठीक है, ओ टी को हटा के ई एस एस लगाया गया। देखिए इम्परर, तो इसमें देखिए ई एम पी आर ई एस एस, तो कि इम्प्रेस हो गया, ठीक है, और गवर्नर का गवर्नेस हो गया, ठीक है, मॉर्क्यूस को हो गया मॉर्किनस, उसके बाद है ड्यूक को हो गया डकेस, गॉड का गॉडेस, मास्टर का मास्टरेस, सॉर्सर का हो गया सॉर्सरेस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने एग्जांपल यहाँ पर लाया हुआ है, यहीं से आएगा, आपको इसको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा है कि इसमें ज़्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है, तो आपको इसको याद करना
जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, देयर नो एनी रूल फॉर सच वर्ड्स एज, इसमें किसी प्रकार का रूल आपको फॉलो नहीं होगा। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, फिर इसको आप रख लीजिए, काफी इजी है। एडमिनिस्ट्रेटर का होता है एडमिनिस्ट्रिक्स, उसके बाद देखिए व्यू का होगा बेले, मैन का वुमेन, किंग का क्वीन, हॉर्स का मेयर, हॉस्ट का रो, गेंडर का होगा गूस, ये गेंडर है, जेंडर नहीं है, जी ई होता है गेंडर हो जाता है। गेंडर मतलब होता है जो हंस, नर हंस, बड़ा जो नेक वाला जो हंस होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, फ्रेयर का होगा नन, अर्ल का होगा कॉन्ट्रेस, कॉन्टेस, अर्ल का होगा कॉन्टेस्ट, बक का होगा डॉग, डॉग का बीज, कॉल्ड का फिली, ब्रदर का सिस्टर, बोर का सॉ, वायसराय का होगा वायसराइन, सुल्तान का सुल्ताना, और प्रोसेक्टर का होगा प्रोसेट्रिक्स, लैट का होगा लैस, एग्जीक्यूटर का होगा एग्जीक्यूटिक्स, और इधर देखिए विडोवर का होगा विडो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेपर्ड का होगा सेपर्ट्रेस, कजार का होगा सजार का होगा सजारिना, हीरो का होगा हीरोइन, और मॉन्सियर का होगा मैडम, साइनर का होगा सैनरा, टेस्टेटर का होगा टेस्ट्रिक्स, बैचलर का होगा मैड, बॉय का होगा गर्ल, कॉक का होगा हैन, ड्रैक का होगा डक, ड्रोन का होगा बी, बूल का काउ, ब्राइड ग्रूम का होगा ब्राइड, ही का सी, लैंड का लेडी, मेल का फीमेल, मिस्टर का मिस, नेफ्यू का निस, नेफ्यू का निस, सायर का डैम, और सीप का होता है यू। ठीक है, सीप का यू, नर भेड़ और मादा भेड़। तो कि इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप एक दो बार चार बार पढ़ लीजिए, फिर वीडियो को दो बार तीन बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, फिर दिमाग में बैठ जाएगा, एग्जाम में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में माइनस मार्किंग होने वाला है, तो आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम फिक्स इसका नॉलेज में रहना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और रूल्स हैं ये, उसके बाद आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सम स्पेसिफिक रूल अबाउट जेंडर, कुछ स्पेशल रूल हैं। पहला देखिए, कुछ ऐसे नाउन जिनका प्रयोग ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस और ग्रेटनेस बताने के लिए करते हैं, वहां पर इसका यूज फेमिनिन जेंडर के रूप में करते हैं, याद रखिए। जैसे द मून, द अर्थ, नर्स, द मून, द अर्थ, नेचर, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, चैरिटी, ह्यूमिडिटी, मर्सी, फैट, पीस, सीप, रिवर, नेशन, जेलसी, सिटी, कंट्री, कार, मोडेस्ट्री, ट्रेन, प्राइड, ट्रूथ, जस्टिस एक्सेट्रा, इन सब का यूज अगर हम क्या बताने के लिए करते हैं, ब्यूटी, ग्रेटफुलनेस, सुंदरता, ठीक है, और उसकी महानता बताने के लिए करते हैं, तब किसका यूज, इसका यूज फेमिनिन जेंडर के रूप में होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कुछ देखिए, द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक, तो देखिए मून के साथ किसका यूज हुआ है, हर का यूज है, हर हम जानते हैं कि फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है। ठीक है, इट्स होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिस्टेक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, लव वर्च्यू, सी इज अलोन फ्री, लव वर्च्यू, इट इज अलोन फ्री, तो यहाँ पर देखिए सी आया, तो आपको याद रखना है लव वर्च्यू, सी इज अलोन फ्री, तो यहाँ पर सी का यूज हुआ है, और सुंदरता बताने के लिए, तो यहाँ पर देखिए सी का यूज हुआ है, ना कि इट का, इट का यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक रूल है, इसको देख लीजिएगा। कुछ ऐसे नाउन है जिनका शक्ति प्रयोग या शक्ति, स्ट्रेंथ, दृढ़ता, फ्रेमनेस या ऊर्जा, एनर्जी का बोध कराने के लिए करते हैं, तो वहां पर उस स्थिति में इसका यूज फेमिनिन जेंडर ना करके मैस्कुलिन जेंडर के रूप में करते हैं। ठीक है, इसका यूज मैस्कुलिन जेंडर के रूप में होता है, जैसे द सन, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशन, लव, वॉर, वाइन एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल्स है इसके। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, द सन शॉट, द सन शॉट हिज ब्राइट रेस, ठीक है, द सन शॉट हर ब्राइट रेस, हर हो करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका क्या बता रहा है, एनर्जी को बता रहा है, उसके स्ट्रेंथ को बता रहा है, तो वहाँ पर आपको मैस्कुलिन जेंडर के रूप में उसका यूज करेंगे, तो मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन यहाँ पर हिस होगा सन के लिए, तो यहाँ पर ये सही है, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 देखिए,
चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी का प्रयोग कॉमन जेंडर के रूप में होता है, ठीक है। ये कॉमन जेंडर है, आप बता नहीं सकते कि चाइल्ड लड़की है कि लड़का है या इन्फेंट, ठीक है, भ्रूण होता है। और उसके बाद देखिए बेबी, तो बेबी बहुत छोटा होता है, उसको बता नहीं सकते, इसका लिंग निर्धारण हुआ नहीं रहता, तो आपको यहाँ पर इसको कॉमन जेंडर के रूप में ले लिया जाता है, इसको याद रखेंगे। कलेक्टिव नाउन जितने भी हैं, आपने नाउन पढ़ा होगा, का यूज न्यूट्रल जेंडर के रूप में होता है। तो कलेक्टिव नाउन समझ गए होंगे, ग्रुप, टीम, फ्लॉक, बर्ड्स, काफी चीजें हैं, इसमें सभी में क्या आएगा, कलेक्टिव नाउन जितने होते हैं उसको न्यूट्रल जेंडर में ले लिया जाता है, इसको पढ़ लेंगे नाउन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉमन नाउन जिसका यूज कॉमन जेंडर के रूप में होता है, जिसका आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, मैं इसका डिस्कस कर देता हूँ एक बार। पोलिस, पोलिस आ गया तो इसको आप कॉमन जेंडर के रूप में लेंगे, फेमिनाइन नहीं मैस्कुलाइन। उसके बाद देखिए पेरेंट, चाइल्ड, एनिमल, पर्सन, सिबलिंग, सिबलिंग मतलब भाई बहन होता है, तो भाई हो चाहे बहन दोनों के लिए सिबलिंग का यूज करते हैं, इसलिए इसे कॉमन जेंडर में लेते हैं। बेबी, फ्रेंड, जज, सोल्जर, राइटर, टीचर, कजिन, आर्टिस्ट, चेयरपर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, ऑथर, मैनेजर, एक्टर, मजिशियन, नेबर, डॉक्टर, रिलेटिव, ऑफिसर, इन्फेंट, कुक, प्रिंसिपल, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, तो अजनबी लड़की है लड़का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अजनबी मीन्स अजनबी। साइंटिस्ट, ऑनर, सर्वेंट, वर्कर, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, आर्टिस्ट, क्लर्क, क्रिमिनल, ठीक है, पॉलिटिशियन, लॉयर, लेक्चरर, नॉवलिस्ट और प्रोफेसर। जितने भी प्रोफेशन हैं उन सभी में चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, प्रोफेशन का जो पद का नाम होता है वो सब क्या में आएगा, कॉमन जेंडर के रूप में आएगा। इसको आप एक बार दिमाग में रख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब लास्ट देखिए एनिमल है जो उसका एनिमल, कुछ एनिमल भी हैं जिसका कॉमन जेंडर के रूप में होता है, जैसे बटरफ्लाई, फिश, क्रो, मॉस्किटो और जिराफ, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, एक बार पढ़ेंगे दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ एनिमल हैं जिनका यूज कॉमन जेंडर के रूप में होता है, ना कि फेमिनाइन या मैस्कुलाइन जेंडर के रूप में होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आपने कुछ सीखा होगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।